अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे सब, उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज से मैंने सोचा कि डेली व्लॉगिंग का आगाज़ करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी 70 पोस्ट करवाऊँगा। काफ़ी देर हो गई थी पोस्ट नहीं करवाई हुई थी, काफ़ी गंदी हुई हुई, आपको कंडीशन दिखाते हैं अभी। और इसकी ऑयलिंग वगैरह करवाते हैं, जैसे कि चेन की ऑयलिंग और ब्रेक की ऑयलिंग वगैरह करवाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो यार ये देखें, ये हालात है अभी 70 के, काफ़ी देर हो गई है वॉश नहीं हुई। वो हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, तो इसको जितना मर्जी वॉश के वाले से गंदे हो जाना आता है 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। देखें कितनी हालात देखने भी आप। अब इसको वॉश करवाने चलते हैं और आप लोग भी दिखाते हैं। यहाँ सर्विस स्टेशन पर मैं आ गया हूँ, बाइक खड़ी कर दी है, अब वॉश होती है तो आप लोग को दिखाते हैं। यार वॉश हो गई है फाइनली, लोग आप लोग को चेक कर लें, चमक गई है, कोई पॉलिश वगैरह नहीं है अभी हमारी, खाली वॉश करवाई है सिंपल। बाकी वॉश करवाते हुए आप लोगों को दिखा दिए मैंने, लोग चेक करें बस माशाल्लाह। ये बाइक ऐसी बाइक है मेरी 70, इसको वॉश ही करवाओ तो इसमें चमक जाना होता है, और कोई पॉलिश वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, चेक करें बस। तो यार ये बाइक में मैंने ज़रा टायर जेल वगैरह लगाई थी और फ्लक्स वगैरह मारी है, तो शाइन चेक करें बस। पल्स कूट कूट के बाहर आ रहे हैं और क्रोम हल्का सा रफ हुआ है क्योंकि उसके ऊपर मैंने वैक्स नहीं मारी अभी तक, ना कोई पॉलिश वगैरह मारी है, वो भी मारूंगा तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, बस अभी भी बिल्कुल न्यू लग रही है, चेक करें बस आप। यहाँ से बैग में टूटी है, ये भी डलवाएंगे, इसका जो छोटा मोटा काम होने वाला है वो अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे 70 का भी, चेक करें बस। तो यार फाइनली इसका एक ब्रेक स्प्रिंग चेंज होने वाला था, वो बार बार ब्रेक यानी सही तरह लग नहीं रही थी, ब्रेक स्प्रिंग चेंज करवाया, वो काम बिल्कुल ब्रेक वाला क्यों हो गया, उसके अलावा चेन डाइट करवाई है और चेन में ऑयलिंग करवाई है, ब्रेक में ऑयलिंग करवाई है बस। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगा वॉशिंग वाले से। तो यार ज़रा ना बाइक वॉश नहीं करवानी चाहिए, तो यार काफ़ी लोग होते हैं वो ना 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ना दोबारा वॉश करवा लेते हैं, वो काफ़ी वॉश करवाते हैं हम बाइक को, तो यार ज़रा वॉश नहीं करवानी चाहिए बाइक भी। मैं भी अपनी बाइक, कोई भी मेरी बाइक हो, मैं उसको हफ्ते में क्या, मैं उसको एक मंथ में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में वॉश करवाता हूँ, पहले मैं काफ़ी वॉश करवाता रहा, तो ज़रा वॉश करवाने का नुकसान ये होता है कि यार बाइक की जो ओरिजिनल शाइन होती है ना ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही, और बाइक उस टाइम तो चमक जाएगा, जब आपकी नई बाइक होगी तब तो चमकेगी, आहिस्ता आहिस्ता ना बाइक की जो शाइनिंग होगी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जो बाइक की ओरिजिनल शाइन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और ना बाइक के ऊपर ना अजीब से निशान आना शुरू हो जाएंगे। तो यार ज़रा वॉश ना करवाया करो बाइक, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मरतबा करवा लिया करो, उससे ज़रा वॉश ना करवाया करो, और अगर बाइक ज़्यादा गंदी हुई हो फिर वॉश करवाया करो, वरना ना बाइक पर गीला कपड़ा मार के सूखा कपड़ा मार लिया करो, ये सबसे बेहतरीन हल है, ज़रा बाइक ना वॉश करवाया करें, और बाइक पर ज़रा वैक्स भी नहीं मारनी चाहिए, ठीक है, ये जो कॉस्मिक वगैरह ये वो, ये ज़रा वैक्स भी मार लीजिए, महीने में 1-2 दफ़ा ये भी मार लिया करो, ज़रा ना मारा करो, रोज़ दिहाड़ी ना मारा करो, इसकी वजह से भी बाइक का जो लैकर होता है वो भी जल्दी यानी कि ख़राब हो जाता है, वो आपको उस टाइम तो लगेगा हफ्ते तक के, हफ्ते के अंदर अंदर के शाइन, बाइक की शाइन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ज़्यादा वैक्स भी बाइक के पेंट को डैमेज करती है, तो वो ज़्यादा वैक्स भी ना किया करें। बाइक ज़्यादा वॉश करवाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बाइक पे जंग लगना शुरू हो जाता है, काफ़ी लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यार बिल्कुल है ऐसा कि बाइक पे जंग लगते, मैंने 70 ली थी तब मैं बाइक काफ़ी ज़्यादा वॉश करवाता था तो उस पर जंग लगना शुरू हो गया था, तो मेरा तो आप लोगों को यही मशवरा है कि ज़रा वॉश ना करवाएं। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की बाइक ज़्यादा देर तक शाइन में रहे अपनी और ओरिजिनल
कलर में रहे और बाइक पे जंग वगैरह ना लगे तो ज़रा वॉश ना करवाएं। जब भी बाइक वॉश करवाएं तो शैम्पू से करवाएं, सर्फ से ना करवाएं। सर्फ से भी बाइक का कलर और क्रोम बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो सर्फ से ना करवाया करें वॉश। और सिंपल कपड़े से भी ना करवाया करें, माइक्रोफाइबर कपड़ा यूज़ किया करें, ठीक है। तो पता है कि आजकल बाइक्स कितनी महंगी हो गई हैं, तो अभी केयर कर लेंगे तो सही रहेंगे, क्योंकि फिर बाद में तो आपको पता है स्पेयर पार्ट भी, जहरी सी बात है बाइक महंगी है, स्पेयर पार्ट भी महंगे हैं। तो यार अपनी बाइक की केयर किया करें, अगर आप अपनी बाइक की केयर करेंगे तो बाइक आपकी केयर करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लिए यार वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब करना तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा।